हाय मदर एंड चाइल्ड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे पहचान करेंगे कि यह असली लेबर पेन है या फिर नकली लेबर पेन यानी फोर्स लेबर पेन है, क्योंकि इन दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिससे डिलीवरी का समय नज़दीक आने पर समझना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। सबसे टॉप मोस्ट डिफरेंस ये होता है कि ट्रू लेबर पेन में दर्द लगातार बढ़ता जाएगा और कोई भी दर्द निवारक दवा देने पर कम नहीं होगा। सिर्फ डिलीवरी के बाद यह दर्द रुक सकता है, कोई भी पोजीशन चेंज करने पर यह दर्द कम नहीं होगा। और फॉल्स लेबर कभी कम तो कभी हल्का ज़्यादा होगा, पर पेन किलर देने पर ठीक हो जाएगा, वह पोजीशन चेंज करने पर भी यह ठीक हो सकता है। फिर है कि ट्रू लेबर पेन है वो 37 वीक के बाद स्टार्ट होता है और जो फॉल्स लेबर पेन है वो 33-34 वीक्स के आसपास धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है और 36 और 37 वीक तक आते आते बढ़ने लगता है। फिर थर्ड डिफरेंस ये है कि ट्रू लेबर पेन पीठ के पिछले हिस्से से यानी लोअर बैक से स्टार्ट होकर आगे लोअर एब्डोमेन तक होता है और कभी कभी ये पेन थाई तक भी चला जाता है। और जो नकली लेबर पेन है वो सिर्फ लोअर एब्डोमेन में होता है या फिर सिर्फ पेट टाइट होगा, ये कभी भी बैक में पेन नहीं करता। फोर्थ डिफरेंस ये है कि असली लेबर पेन के दौरान पानी की थैली फट सकती है और फॉल्स लेबर पेन में पानी की थैली पर कोई भी असर नहीं पड़ता। हम आपके लिए इस प्रकार प्रेगनेंसी, डिलीवरी और बेबी केयर से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे, तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।